Hello everyone, this is me, Satya here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर. सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी बस से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो वी हैव आवर फर्स्ट कार्ड हियर, एट ऑफ सोर्ड्स. पहली चीज़, जो आपका पर्सन है, जो उसकी इंटेंशंस हैं आपको लेकर, जो वो चाहता है दिल से करना इस कनेक्शन को लेकर, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं. यू नो, वो चाहता कुछ है, हो कुछ चाहता है, वो चाहता कुछ है, कर नहीं पाता. तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं, जो भी, जिससे भी आप डील कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें इनके रास्ते में रुकावट के जैसे आ रही हैं, जो ये चाहते हैं ये कर नहीं पा रहे हैं. और शायद आपको लगता है कि शायद ये चाहते ही नहीं हैं इस कनेक्शन को आगे लेके जाना, जबकि ऐसा नहीं है. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है रिस्ट्रिक्टेड फील करता है अपनी करंट सिचुएशन में और चाहता है कि कुछ कर पाए, लेकिन हो नहीं पा रहा उससे. आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के सेल्फ इम्पोज्ड ब्लॉक्स भी हो सकते हैं करंट सिचुएशन को लेकर, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ स्टक और स्टैगनेंट है. जब हम सेल्फ इम्पोज ब्लॉक की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट्स मोर लाइक उनको लगता है ऐसा कि यू नो, ये हो नहीं सकता, ये सॉल्यूशन नहीं निकल सकता करंट सिचुएशन का. जबकि अगर वो सोचें, अगर वो सही तरह से सोचें और वर्क करने की कोशिश करें तो चीज़ें वर्क कर सकते हैं. बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि क्या है इसकी ट्रू इंटेंशन, इसको लगता है जो ये चाहता है वो हो नहीं पा सकेगा फॉर सम रीज़न. लेट्स सी मोर कार्ड्स, क्या है इसकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर. आपके पर्सन को, आपको जो आपके साथ जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा डिसाइसिव होने की ज़रूरत है, जो कि करंटली वो नहीं है. अगेन, जब आपके माइंड में डाउट्स होते हैं, फियर्स होते हैं, या आपको लगता है कि रास्ते रुक रहे हैं, ब्लॉक आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका खुद का जो फेथ होता है वो भी लूज़ हो जाता है. तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है उस सिचुएशन में है जहाँ पर इनडिसाइसिव हो रहा है कि शायद उसको ये कनेक्शन छोड़ देना चाहिए, शायद उसको आपको छोड़ देना चाहिए, शायद उसको आपके लिए डिसीजन लेना चाहिए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए. सो एक इनडिसाइसिवनेस है आपके पर्सन के एंड से. गिवन सर्कमस्टांसेस और ब्लॉक्स को देखते हुए आपका पर्सन श्योर नहीं है कि ये कनेक्शन वर्क कर सकेगा या नहीं. सो नो डाउट कि पर्सन को लगता है कि आपके साथ जो टाइम है उसका वो बहुत ज़बरदस्त होता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो प्रैक्टिकल वे में देखे तो चीज़ें उसको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है. आपके और उसके दरमियान का जो रिलेशनशिप है ये आगे शायद नहीं जा सकता. दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग. आपके पर्सन नो डाउट आपको चाहते हैं, आपके साथ जो कनेक्शन है उसको पसंद करते हैं, बट एट द सेम टाइम डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं. सो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट इट. लेट्स सी कि और क्या है इस इंसान की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर. आपके पर्सन को, टू बी ऑनेस्ट, जो करंट सिचुएशन है उसमें से निकलने के लिए अभी इसको टाइम लगेगा. एक महीने से कम का टाइम चांसेस नहीं है. मुझे लगता है कि एक महीना तो डेफिनेटली लगेगा आपके पर्सन को डिसाइसिव होने के लिए. सो मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपको पसंद करता है, पर्सन को लगता है कि आपका कनेक्शन स्पेशल है, कुछ यूनिक है आपके कनेक्शन में इसके साथ. लेकिन एट द सेम टाइम कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये पर्सन नहीं दे सकता है आपको कमिटमेंट राइट नाउ. इसको लगता है जो इसके रास्ते में जो ब्लॉक हैं ये जब तक ख़त्म नहीं होते हैं या जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते. कब तक रिजॉल्व होंगी ये इस इंसान को नहीं पता. सो ये अभी उस सिचुएशन में है कि जैसा है वैसा चलाई जाओ, अगर चला सकते हो, अगर नहीं चला सकते हो तो देन इसको नहीं पता कि ये क्या करना चाहेगा. इसके पास में कोई प्लान नहीं है, इसके पास में कोई सोल्यूशन नहीं है. आने वाले एक महीने के अंदर मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी जहाँ पर इसको लगेगा कि दे हैव टू मेक अ डिसीजन, दे हैव टू मेक अ चॉइस, दे हैव टू मेक अ प्लान कि किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाया जा सकता है या किस तरह से इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है. गिवन सर्कमस्टांसिस में पर्सन जो है इनडिसाइसिव है, ब्लॉक्ड फील कर रहा है, क्लैरिटी नहीं है उसके पास, सॉल्यूशन नहीं है उसके पास, और उसका दिमाग, ये जो कैपेसिटी है वो फुली अवेल नहीं कर रहा है. वो लिमिटेड सोच के जैसे सोच रहा है चीज़ों को लेके, कि जैसे वर्कआउट नहीं हो सकता, ब्लॉक्स हैं,
जो चीज़ें सोचने वाली हैं उनके बारे में नहीं सोचा, जो ब्लॉक्स हैं शायद वो आपको भी दिख रहे हैं, आपके पर्सन को भी दिख रहे हैं. व्हेन इट कम्स टू कि फाइंडिंग अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं निकाले जा रहे हैं. आप ऐसे कुछ लोग सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हो, या सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो को डील कर रहे हो सकते हो. मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट ये जो करंट सिचुएशन है ये एक ही सिचुएशन में बदल सकती है जहाँ पर डिवाइन कुछ इंटरवेंशन हो. एक महीना मुझे लगता है कि डेफिनेटली लगेगा, कम से कम एक महीना लगेगा कि पर्सन के जहन में कुछ क्लैरिटी आए आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर, और थोड़ी स्ट्रेंथ आए टू डील विद द ऑन गोइंग इशूज, जिसको लेकर कोई एक्शन ये लेने के बारे में सोच सके या चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में सोच सके. अगर राइट ना आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, एक महीने के टाइम में आपकी इस इंसान के साथ कोई कम्युनिकेशन आती भी दिख रही है, जो कि अगेन तभी आएगी जब ये अपने तरफ से जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले लेगा. और इस पूरे सिनेरियो को एक महीना कहीं नहीं लगेगा, लाइक यू नो एक महीना तो डेफिनेटली लगेगा, एक महीना कहीं नहीं जा रहा. ये पर्सन बहुत जल्द कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है. इसको जितना क्लाउड है इसके जहन में आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा. और अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए इस इंसान के साथ, तो ये फ़िलहाल आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो पर्सन आपसे दूर ही भागेगा. जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो पर्सन रिजॉल्व नहीं करेगा इश्यूज़ को. सो आपको गिवन सिचुएशन में थोड़ा अपने आप को सरेंडर करना है करंट सिचुएशन को, और अपने आप को रिलैक्स करना है, पॉजिटिव रखना है. लेट्स सी कि आपको और क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में. ट्रांसफॉर्मेशन, लेट लव ट्रांसफॉर्म यू फॉर एवर. आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस कर रही है. अलाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए. कोशिश ना करो कि आप इसको रेजिस्ट करो. जो चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में या जो चेंजेस आ रहे हैं आपके इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, अलाउ करो इन चेंजेस को. कोशिश करो कि रेजिस्ट ना करो. जैसे ब्रेकअप होता है होने दो, एंडिंग होती है होने दो, पैचअप होता है होने दो. सी वेयर इट लीड्स यू. अगर आपको खुद को क्लैरिटी है, खुद का डिसीजन बना हुआ है, खुद को बहुत एक क्लियर कट पर्सपेक्टिव है आपका अपने फ्यूचर को लेकर, इस इंसान को लेकर, तो आप जो चाहोगे वैसा ही होगा. तो अलाउ करो, सरेंडर करो, ट्रस्ट करो, फेथ रखो प्रोसेस के अंदर, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ एक हैप्पी लाइफ जो है वो जी सकोगे. गिवन सिचुएशन में आपका सरेंडर करना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी आपके लिए फेरी मैसेज क्या है, फेरी गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जो आपका पर्सन है इसके दिल में आपको लेकर जो भी फीलिंग्स हैं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो भी इसको भी टाइम लेगा. ये पर्सन उस अंडरस्टैंडिंग को लाने में जहाँ पर इसको रियलाइज़ होगा कि आपकी वर्थ वैल्यू क्या है इसकी ज़िंदगी में. अगेन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कुछ एंडिंग होती है या कुछ सेपरेशन आती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है, अलाउ दैट टू कम. ये पर्सन वापस तो आएगा आपके पास, होल्ड बैक करेगा कम्युनिकेशन से कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपके पास वापस आएगा मैटर्स को थिंक थ्रू करके. सो अलाउ दैट टू हैपन. ये पर्सन आपके पास वापस आएगा विद समथिंग सॉलिड टू ऑफर. फिलहाल इसके माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, सो आपको इसको टाइम देना है, इस इंसान को. वेरी मैसेज है आपके लिए, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट. लुक इनसाइड योर हार्ट, विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन. अगेन अगर आपको क्लियर है, आपका इंटेंशन सेट है, आपकी आपको एक प्योरिटी के साथ आपके दिल में क्या है इस इंसान को लेकर, क्या चाहते हो दिल से, आपकी क्या विश है, डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, अगर आपको वो पता है ना, तो फिर आपके लिए रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे. अलाउ करना आपके लिए चीज़ों को आसान हो जाएगा. आप रेजिस्ट नहीं करोगे किसी चीज़ को लेकर, थिंकिंग और वरिंग अबाउट इट. अगर आप फियरफुल हो तभी आप गिवन सिचुएशन में चीज़ों को वर्क करने के अपनी तरफ से हाथापाई जैसे आप हाथ पाँव यू नो मारना या एक्स्ट्रा एफर्ट करना किसी चीज़ को, आप वो करोगे. लेकिन अगर आपको पता है कि अल्टीमेटली ये चीज़ आपकी होनी है या ये पर्सन आपके पास आना है, इसने कमिटमेंट देनी है, तो फिर आप चीज़ों को लेट गो करोगे, फिर आप चीज़ों को रिलैक्स होकर डील करोगे, आप चीज़ों को सरेंडर करोगे.
अगर आप सरेंडर करने वाली पोजीशन में हो तो ये पर्सन एक महीने के अंदर अंदर आपके पास वापस आएगा विद अ कमिटमेंट, विद अ डिसीजन कि इसको आप चाहिए हो और एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए आपसे जो कि शादी या कमिटमेंट को लीड करता हो. सो ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा. अगर एंडिंग हो भी रही है या होने वाली है, अलाउ इट टू हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएगा फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.